महारथी इस समय हमारे साथ हैं जरा एक बार उनको सबको विंडो में भी रख दीजिए रामदेव जी आ, आप क्योंकि एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं एक ब्रोकरेज भी चलाते हैं खुद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के बजट को खास तौर से जो कैपिटल गेंस टैक्सेशन में टिंकरिंग हुई है उसको देखिए मुझे लगता है कि जो 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 अभी में पार्टी चल रही है उसके हिसाब से करीब 25 से 30 प्रतिशत ज्यादा टैक्सेशन लगेगा तीनों कैटेगरी में चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो चाहे स्पेक्यूलेशन हो सो so, लॉन्ग टर्म में आपका 10 का 12 हो गया शॉर्ट टर्म में 15 का 20 हो गया और स्पेक्यूलेशन में आप एस में ही आप करीब चालीस पचास प्रतिशत ज्यादा टैक्स भरेंगे सो so, ऐसा मेरे ख्याल से टैक्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम द मार्केट आ, काफी बड़ा है वो नंबर तो नहीं मालूम मुझे लेकिन काफी अच्छा नंबर आएगा मेरे ख्याल हो सकता है पचास हजार से लाख करोड़ तक भी आ सकता है इसमें तामजीर जी ये सिग्नलिंग किस तरफ है कि बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो गया था उसको सरकार रोकना चाहती है दूसरे एसिड्स जैसे रियल एस्टेट को बढ़ावा मिल रहा है गोल में जो ड्यूटी कट हुआ उसको बढ़ावा जो नॉन रिस्की एसिड्स है क्या उस तरफ फिर से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई देगा आ, हाँ इस ढंग से लग रहा है कि मतलब इक्विटी मतलब उनका ये कहने का भाई आपने बहुत पैसा कमाया है इक्विटी में तो आप हमको भी थोड़ा देते चले जाओ ऐसा है मतलब आई डोंट थिंक इट इज एनी रैशनल बिकॉज उनको तो ये पर्टिकुलर एसेट क्लास को इंकरेज करना चाहिए तो आप जो लॉन्ग चलिए स्पेकुलेशन को आपने पनिश किया शॉर्ट टर्म को पनिश किया एक बात समझ में आता है बट इवन लॉन्ग टर्म में आपने 10 से साढ़े बारह टका किया है मतलब ये है आपको uh, मेरे ख्याल से सोच ऐसी है कि भाई आप जो है uh, बहुत पैसे कमाया हो तो उसमें से आप थोड़ा पार्ट यू पार्ट विथ पोर्शन ऑफ गेंग्स मेरे को लगता है कि लॉजिक ये है कि भाई हम हम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज को डिसइंसेंटिवाइज करें ये बात नहीं है बट बेसिकली uh, 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 मेरे को लॉजिक समझ में आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स इतना बढ़ाया क्यों शॉर्ट uh, टर्म तो मेरे समझ में आता है शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में और एक्चुअली स्पेकुलेशन में आपका मार्जिनल टैक्स रेट है सो इन एनी केस यू आर पेइंग द फुल टैक्स दर इज नो चेंज फॉर द स्पेक्यूलेटर्स एक्चुअली विच इज द मेजर पोर्शन ऑफ द गेंस इन द मार्केट प्लेस तो रामदेव जी आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया ठीक है लॉन्ग टर्म नहीं बढ़ाना चाहिए था लॉन्ग टर्म को वही रखना चाहिए था या यू आर पनिशिंग द लॉन्ग टर्म होल्डर्स ना जितने लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं हाँ। आ, तो आ, नहीं आप क्या मतलब चाहते क्या हैं लोगों को सटोरिया बनाना चाहते हैं या लोगों को चाहते हैं कि भाई इन्वेस्ट करें और देश को बनाने में एंटरप्राइज को बनाने के लिए लंबे समय के लिए रखें मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप ज्यादा सट्टा करो जल्दी जल्दी चर्न करो सो so दैट आपको लॉन्ग टर्म रखने में कोई फायदा नहीं ना फिर आप बढ़ाते ये, ये इंटरेस्टिंग चीज विजय भाई रामदेव जी आप थोड़ा आपका दोनों का, का, का व्यू बन रहा है इस समय आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है वैसे एक परसेंट से कम ही लोग रखते हैं आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे रामदेव जी की बात का जो कह रहे हैं नहीं रामदेव जी जो कह रहे हैं उनको काटने का तो मेरे को कोई उतना विजडम नहीं है <laughs> लेकिन मैं पर्सनली मेरा अपना व्यू ये है कि समझो उधर भी आपने शॉर्ट टर्म भी पंद्रह का बीस किया इधर दस का आपने साढ़े किया तो आप इंकरेज कर रहे हैं ना लोगों को कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो आप इसको क्योंकि कम रेस किया टैक्स हाँ, क्योंकि उसको भी उधर भी पंद्रह का बीस कर दिया हाँ, इधर भी दस का साढ़े बारह कर दिया हाँ, तो रेशियो तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा एक लाख उनहत्तर हजार आदमी जो एक करोड़ से ज्यादा इनकम दिखाते हैं इंडिया के अंदर में हाँ, आप उन चीजों को नकार नहीं सकते हो मतलब ये कि जो और तेल बोलते हैं तेल तो तिल से ही निकलेगा ना भाई जो कमा रहा उसी से आप निकलोगे अब हाँ, उन्होंने सुबह बोल दिया अन्नदाता और पुअर्स और विमेन मैडम आ गई उसके अंदर में और वो चार कैटेगरी उन्होंने बताए हैं तो टैक्स देगा कौन भाई यहाँ पर अल्टीमेटली ये बताइए जो दे सकता है वही टैक्स देगा जो दे सकता है वो देना नहीं चाहता है जो नहीं दे दे सकता है वो वो नहीं देना चाहता है ऑब्वियसली है तो फिर आएगा कैसे कंट्री के अंदर ओके मधु भाई आप तैयार हैं थोड़ा ज्यादा टैक्स देने के लिए अनुज मैं वापस मेरी बात को बोलता हूं अगर गेन करेंगे तो टैक्स भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक इंडियन इकोनॉमी अच्छी चलती रहे मार्केट्स वाइब्रेंट रहे हमारे गेंद में से अगर कुछ लेके जाएंगे तब तक ठीक है तो एज लॉन्ग एज दे टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स जो है ना कि भाई ये ये देश बढ़ता रहे ये इकोनॉमी बढ़ती रहे ये यहाँ की कंपनियां ग्रो करती रहे मुझे ये ना लॉन्गर टर्म में अल्टीमेटली आप उसको जैसे विजय ने बोला मैं मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूं अल्टीमेटली जो कमाएगा सरकार टैक्स तो उसी से मांगेगी ना हम लोगों को ये खुशी नहीं है ये ये देखते हुए कि टैक्स बढ़ रहा है पर उसमें कोई चारा भी नहीं है अगर कहीं ना कहीं सरकार को दूसरी जगह एलोकेशन करना है तो कहीं ना कहीं से तो टैक्सेशन वसूल करना पड़ेगा और ये देश का आज नहीं पिछले 20 साल का यह इतिहास है कि जो ऊपर के दो लोग दो तीन दो प्रतिशत लोग हैं उनके ऊपर ही हमेशा टैक्सेशन का बर्डन हमेशा ज्यादा आता है अनुज आप अभी का नहीं पच्चीस साल का इतिहास निकाल के देख लो और हो सकता है आगे भी आने में चेंज ना हो तो मैं तो यह प्रे कर रहा हूं कि अपनी कंट्री अच्छी चलती रहे अपना देश आगे बढ़ते रहे अपना कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा चलता रहे तो फिर 10 का 12 परसेंट पे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है एज लॉन्ग एज मेक गेम्स आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग द टैक्सेस ओके okay, बिल्कुल जो बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी ऑलमोस्ट उसी लहजे में आपने कही है वैसे मधु भाई रामदेव सर चलिए सिर्फ टैक्सेशन की बात नहीं करते हैं और भी बजट में बहुत कुछ अनाउंस हुआ आ, रियल एस्टेट पर कुछ मेजर्स आए थोड़ा सा गोल्ड पर कुछ स्टेप्स लिए गए ओवरऑल आपने कैसे देखा बजट को इस टैक्सेशन के डिसअपॉइंटमेंट को अगर एक बार के लिए साइड पर रख दें फिस्कल डेफिसिट भी फोर अगले साल फोर की बात हो रही है ओवरऑल कैसे देख रहे हैं बजट को वे देखिए आपको सबको उन्होंने सब कुछ दिया है पर्टिकुलरली नीचे तबके के जितने लोग हैं उनको स्टैंड रिडक्शन या लोअर टैक्स रेट या स्टाइपेंड सब तरीके से उन्होंने सब जितने भी सेगमेंट्स से हैं उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश किया है बाकी बजट पेपर देखेंगे तो और समझ में आएगा थोड़ा पॉपुलिस्ट टाइप का मतने काफी वाइड स्प्रेड बेनिफिट्स है तो हो सकता है कंजम्पन को बूस्ट मिले यदि अच्छा उन्होंने महीना भर पहले आफ्टर द इलेक्शन एमएसपी भी बहुत अच्छे से अनाउंस किया था फॉर द फार्मर्स दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आप देखिए जैसे ही स्पीच चालू हुआ सबसे पहले उनका फोकस था फार्मर्स तो उसमें जो एमएसपी uh, का जो बढ़ोतरी है और सबको जो पांच पाँच दस दस हजार रुपये दिया है स्टैंडर्ड रक्शन दिया मुझे उससे लगता है वाइड स्प्रेड बॉटम ऑफ द पिरामिड में कंजम्पशन को भी थोड़ा अच्छा फिलिप मिलना चाहिए पर्टिकुलरली यदि ये क्या नाम है आपका मानसून यदि ठीक ठाक रहा तो तो ऐसा डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए कुछ बोला नहीं उन्होंने कि जीएसटी एस और हमें कुछ कटौती करें या कुछ इस तरफ करें लेकिन जिस ढंग से एक्स्ट्रा इनकम सबके हाथ में दिया है मुझे लगता है उससे कंजम्पशन को थोड़ा बूस्ट मिलेगा

नहीं मेरे पास में इसका डेटा नहीं है और मेरे बारे में मेरे को इसका नॉलेज नहीं है कि इसका एग्जैक्टली exactly कितना फ़र्क पड़ेगा जो राहुल जी ने बताया वो मैं गणित एक्चुअली समझता नहीं हूँ मेरे को ओवरऑल ऐसे ये लगता है कि ये जो जो बजट है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बजट है चाहे उसको फिजिकल डेफिसिट की बात ले लीजिए या इसको टूरिज्म के लिए देख लीजिए और अब अब आप ये मैं उसका दूसरा जवाब देना चाहता हूँ मैंने आपको जैसे दो ही दो तीन तरीके होते हैं जो टूरिज्म के लिए एक तो मेडिकल टूरिज़्म होता है जिसके कारण कंट्री में इनकम बढ़ती है और रिलीजन्स का जो होता है ये टूरिज्म होता है तो इससे जो जो इन्होंने और दूसरे जो उन्होंने लिया जैसे सोलर का इन्होंने लिया पहले भी उन्होंने बता दिया था घर का उन्होंने लिया है जो कितने घर वो तो ये सब सब मिलाकर ये कंजम्पशन को सब बूस्ट ही करने वाला है मेरे। मेरा मेरा ओवरऑल मेरे को ऐसा ही लगता है तो क्या इन्हीं थीम्स के आसपास अब मैं उस निवेशक की बात कर रही हूँ जो कह रहा है कि चलिए कमाई हो रही आप है नए निवेश के लिहाज से नए निवेश तो मैं तो क्या भी नया निवेश करना नहीं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा ओवर है अगर मेरे पास कोई आइडिया भी है तभी मैं उसको थोड़ा सा वेट करूंगा मैं और ऐसे भी ऑलमोस्ट मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ और मेरे को लग रहा जो थी पुरानी जैसे पहले जो चलती आ रही थी जो थीम आगे भी चलने वाली है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वो आगे भी चलने वाला है मैन्युफैक्चरिंग मेरे को लगता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो एक रेड फ्लैग जो मैं लगता है या समझे डर लगता है वो लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है जो अस्सी नब्बे लाख अनएम्प्लॉयमेंट हर साल चाहिए और उसके अलावा जो नौकरी छोड़ रहे हैं उनको वापस नौकरी उनको चाहिए तो इसके लिए वो मैनुफेक्चरिंग सेक्टर के अंदर में अगर आप बूस्ट करते हैं समझिए तो उसको उसमें फ़ायदा होता है तो मेरे को लगता है जो पुरानी थीम जो भी जहाँ भी गवर्नमेंट का फोकस था वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेगी और ये भी इन्होंने इन्होंने जो बताया है उसी के आसपास इन्होंने सारी पॉलिसी वे, शायद एक रही है कि रियल स्टेट पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म किया गया है शायद आ, ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव होगा अच्छा रामदेव सर को जाना है रामदेव सर एक आखिरी सवाल फिर आपसे क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब मार्केट में यहां से क्योंकि पिछले तीन साल तो गोल्डन पीरियड रहे हैं खास तौर से मिड कैप इन्वेस्टर के लिए हम्म hmm. सी hmm. so, अभी जो रिटर्न आ रहा है एक तो जो कॉर्पोरेट uh, परफॉर्मेंस भी अभी भी इस साल बोल रहा है कि पंद्रह सत्रह परसेंट ग्रोथ आएगा अर्निंग्स में तो वो एक बात है दूसरा ये है कि जो पार्टिसिपेशन है जो अभी तक का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत जबरदस्त है सो so, लिक्विडिटी जो फ्लो जो है उसमें उतना बदलाव नजर नहीं आ रहा मुझे सो so, uh, जो रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन था इस बजट से मेरे ख्याल से अंतर नहीं पड़ेगा उससे uh, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें कि आपका जो मार्केट फेसिंग रिटर्न है वो अंतर पड़े आपको जो टैक्सेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं वो आपका पर्सनल आफ्टर मेकिंग मनी इन द मार्केट वाट एवर यू हैव टू पे सो मेरे को नहीं लगता है कि इट हैज़ इम्पेक्टेड द मार्केट इन एनी वे एंड एनहेंस जो जो भी एक्सपेक्टेशन था से पंद्रह परसेंट अपना जो एनुअल एक्सपेक्टेशन है डबलिंग इन फाइव ईयर्स आई थिंक दैट रिमेंस अ इंटैक्ट सिचुएशन फाइव ईयर्स ये रामदेव सर का एक फार्मूला है जो आजकल रामदेव सर बहुत पैशन से पढ़ा रहे हैं और रूल ऑफ सेवेंटी टू मैं एक्चुअली अभी लास्ट रामदेव सर का इंटरव्यू करने गया था तो रामदेव सर ने मुझे बिठा लिया आ, उनके कैबिन में और उन्होंने मुझे वो रूल समझाया उसके बाद उन्होंने मुझे एक बुक और एक पेपर और पेन दे दिया और उसके बाद रामदेव सर ने कहा कि चलो अब मैं तुमको तीन चार एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मुझे बताओ ये रोल लगा कर कि कितने साल में डबल होगा तो रामदेव सर बहुत वैसे खैर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और उसको हम आगे अच्छे से कवर करेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रामदेव सर मधु भाई आपका क्या मैसेज होगा अब इस समय इन्वेस्टर्स को क्योंकि बहुत लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक बार के लिए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ज़ीरो कर दूं हाँ आप, आप क्या कहेंगे अनुज भाई हमने बहुत सारे साल से अनुभव किया है यहाँ पे ये मार्केट में ना हम बाजार का जब भी कभी कॉल लेते हैं कि ये मार्केट बहुत उछला हुआ है पूरा जीरो कर दो या बहुत कभी बॉटम हो गया है सब कुछ बेच के लग जाओ वो सब मेरे लॉन्गर टर्म करियर में आ, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो मैं तो ये बोलूंगा बहुत केयरफुल तरीके से बिकॉज मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है काफी हैवी रनअप हुआ है बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे इंडिविजुअल कंपनीज में तो मैं इस बार बोलूंगा कि बहुत केयरफुल तरीके से चुन चुन के शेयर लेने का मौका है और जहां जहां पे आपको एक्सट्रॉनरी गेन हुए हैं जहा पे आपको लगता है कि कंपनियों का वैल्यूएशन रियली आउट ऑफ द वैक हो गया है आई थिंक निर्भीक तरीके से बेचना भी चाहिए और आप बेचोगे और भाव ऊपर जाएगा हमेशा आपको लगेगा अरे बाप रे ये मेरा बिक गया और इसका तो भाव ऊपर चला गया यू you नो know, अब हम तो कहीं से लिखवा के नहीं लाए ना कि बॉटम में ही खरीदेंगे और टॉप में ही बेचेंगे एज लॉन्ग एज अपना रिटर्न बन गया जहां जहां पे रिटर्न बहुत अच्छा बन गया है मैं खुद जो कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं अनुज मैं तो शेयर बेच भी रहा हूं और बट आई एम ओपन ऑल्सो कि मुझे कोई रियल कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो भाई इसलिए नहीं उसको नहीं खरीदूंगा क्योंकि इंडेक्स चौबीस हजार पांच सौ बहुत बड़ा हुआ है मुझे अगर बहुत कंपेलिंग कोई अपॉर्चुनिटी लगेगी और मेरा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा खुद का पैसा है तो आई एम ओपन टू मेक इन्वेस्टमेंट बट आई एम ए वेरी केयरफुल इन्वेस्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज ऑल आई से ओके और भाई बहुत बहुत शुक्रिया मीन भाई एक बार जरा आप डीएलएफ लेकर आए थैंक यू सो मच वो देख जो बात कह रहा था मैं कि वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है उसके बाद आप देखिए ये किस तरीके से कोलैप्स हुआ ये स्टॉक इस समय पर विजय भाई आप कुछ आखिरी वर्ड्स अगर हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हो काफ़ी फॉलो करते हैं आपकी काफ़ी फॉलोइंग है रिटेल में आ, हर कोई चाहता है कि विजय केड़िया बने आ, आपका क्या मैसेज होगा नहीं मेरा मैसेज वही है अनुज भाई कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर रूमर पर टिप्पण या टाइम वेस्ट कर नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये अनुभव से सीख और बेस्ट कर सिंपल मैसेज है भाई ज़्यादा इधर तो छलने का नहीं है और आपने जो बात बोली कि लोग आपको बोलते हैं कि हाँ मैं अभी निकल जाऊँ सब बेच कर निकल जाऊँ मैं तो मेरे तीस साल के इतिहास के अंदर में को, कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि जब मैं कभी बेच कर पूरा निकला हूँ बल्कि नाइन्टी नाइन परसेंट टाइम मैं तो हंड्रेड नाइन्टी नाइन परसेंट इन्वेस्टेड रहा हूँ तो इस बोलकर अगर आप पिच छोड़ के अगर 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 आप भाग गए या निकल गए पिच छोड़ के निकल गए आप सेंचुरी तो नहीं बना सकते हो तो आपका पैसे कमाने का अध्याय खत्म हो गया कम से कम टिके रहोगे मार्केट गिरेगा भी राइजिंग इकोनॉमी है भाई राइजिंग स्टॉक इकोनॉमी है चांसेस तो हो जब आप पिच पर खड़े होकर प्ले कर रहे हो चौके छक्कर नहीं मारो तो एक रन लेते रहो एक रन नहीं मारे तो खड़े रहो खाली खाली उसको डिफेंस खेलते रहो विकेट नहीं गाना विकेट नहीं गवाना अगर विकेट गवा दिया पिच छोड़ के स्टेडियम में चले गए आपका अध्याय खत्म हो गया आपका इतिहास खत्म हो गया माने आप इतिहास हो गए आप इतिहास बन गए तो टिके रहो ना यहाँ पे बिल्कुल हर हालत में टिके रहो यही समय का नियम है हर हालत में टिक रहो यही इस समय का नियम है बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई थैंक यू सो मच बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया है और देखिए हमको भी चैनल चलाना है तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं